हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज शाम के बज चुके हैं 5। तो अभी आज जाने वाला हूँ मैं, अभी फ्रूट खा रहा था तो हमने जाना है रीस्टॉक करने फ्रूट्स एंड वेजिस को। तो हमारे यहाँ यू नो सेक्टर में मार्केट लगती है वीकली मार्केट फ्रूट एंड वेजी की, तो मैंने सोचा चलो आज जाएंगे तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसे मैं फ्रूट एंड वेजी बाय करता हूँ, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसको कैसे हम क्लीन करते हैं घर के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वही रहता है, क्योंकि हम फ्रूट एंड वेजी यूज़ करते हैं एमवे का क्लीन करने के लिए, और फिर ओजोन गैस में उसको क्लीन करते हैं, और फिर कैसे उसको प्रिजर्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज दिखाएंगे। सो मेक श्योर पूरा वीडियो आप इन्जॉय करें, व्लॉग पूरा एंड तक देखें। अभी मैं खा रहा हूँ मौसमी, जो कि शाम के लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि क्या होता है कि जब शाम होती है ना लंच और डिनर के बीच में, तो उसमें क्या होता है कि भूख लगती है, और यहीं पे हम जंक फूड का इंटेक कर लेते हैं, बिस्किट, नमकीन या बाहर का कुछ भी, यू नो स्ट्रीट फूड हमें अट्रैक्ट करता है, स्वीट की क्रेविंग होती है। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए स्वीट फ्रूट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और आप फैट्स में मूंगफली ऐड कर सकते हो, और प्रोटीन के लिए आप चने ऐड कर सकते हो। तो दीज आर द गुड थिंग्स जो कि आप ऐड करें अपनी डाइट में, तो आपको क्रेविंग्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो गाइस अभी आप देखो कितनी अमेजिंग ये मौसमी जो है लग रही है, स्वीट लाइम जिसे बोलते हैं, इसकी खुशबू इतनी अमेजिंग है गाइस, मज़ा आ जाता है। और ये बेस्ट टाइम है इसको खाने का, क्योंकि क्या होता है कि दिन में तो भागा दौड़ी होती है, सुबह चलो शेक में हम फ्रूट ले लेते हैं, बट कहीं ना कहीं यू नो भागा दौड़ी के साथ फ्रूट कई बार यू नो जॉब वाले जो हैं या बिजनेस वाले हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं होता, तो मिस हो जाता है फ्रूट कहीं ना कहीं। तो मेक श्योर कि आप ये फ्रूट कहीं पे भी बैठ के आप आराम से खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यू नो कोई फालतू की भूख के लिए कोई यू नो क्रेविंग अनशन चीज़ों की नहीं होगी। तो इसको एंजॉय करें, बनाना ऐड कर सकते हैं इसकी जगह, एप्पल ऐड कर सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल हो। तो अभी ये खा के चलते हैं मंडी, तो आपको दिखाऊंगा। कोरोना से पहले हम यू नो जाते थे, जब कोरोना वायरस लॉकडाउन वगैरह सब हुआ था तो फुल पैक मंडी होती थी, तो उसके बाद क्या हुआ कोरोना लगा और ये सब चीज़ें बंद हो गई, क्योंकि वहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे से बैठे होते हैं, आते हैं बाय करने। बट जब से कोरोना अब थोड़ा नॉर्मल हो गया, स्टेबलाइज हो गया, तो अभी क्या है कि अभी फिर से वो वाइब्स आने लग गई हैं, सब इकट्ठे बैठते हैं मज़ेदार। वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है बड़ा मज़ेदार होता है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी सही सही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और वहाँ पे बड़े वाइजली आपको चीज़ें चूज़ करनी है। 2-3 जगह आप ट्राई करिए, आपको दिखेगा कि बहुत वैरायटी होती है फ्रूट्स एंड वेजी की। सिर्फ सीजनल चीज़ें लें, अनशन चीज़ें वहाँ भी होती हैं, कि आप बेसीजन चीज़ें खाएंगे, आपके एरिया कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको ले रहे हैं, तो मेक श्योर आप उसको ध्यान रखिए और फिर आप अच्छी चीज़ बाय करेंगे, सीज़न में खाएंगे। एक तो चीज़ सस्ती मिलेगी आपको, और आपके एरिया की होगी तो और भी यू नो टेस्टी होगी, और उतनी ही आपको प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स कम मिलेंगे। खेलने पड़े हैं कैसा लगा 70 का किलो कितने 2 किलो।
तो बड़ा बाबू बना हुआ है जी। ले आए जी थैले भर के माल, अब आपको दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हैं, फिर दिखाएंगे कैसे क्लीन करेंगे इसको और फिर कैसे प्रिजर्व करेंगे जी। तो जी आ गई है फ्रूट एंड वेजीज, फ्रूट्स में लेके आए हैं मौसमी, अनार, और वेजीज में आप देखिए यहाँ पे लेके हैं कैरेट्स, बीटरूट, खीरा, ब्रोकली, टमाटर, अदरक, शिमला मिर्च, और ये सब साग का सामान है, स्वीट कॉर्न, मूली। तो अभी हम इस सब को जो स्किन वाली चीज़ें खाने वाली हैं, जैसे हम खीरे को विद स्किन खाएंगे तो इसको मोजोन करेंगे, टमाटर हो गया इसको फ्रूट एंड वेजी से क्लीन करेंगे, और बाकी सब चीज़ों को धो के रखेंगे ताकि अच्छे से हम इसको छिलकर उतार के खाएंगे, बट एक बार फिर भी क्लीन कर लेते हैं ताकि जो इसके ऊपर की धूल मिट्टी है सब वो क्लियर हो जाए। तो ऐसा मौसमी को धोएंगे अच्छे से, बस एक बार पानी से क्लीन करना, क्योंकि इसको हमने स्किन के साथ तो खाना नहीं है, तो वैसे इसकी धूल मिट्टी हम अच्छे से साफ करके अब इसको ड्राई होने देंगे यहाँ पे। और अभी ये जो सामान है इसको हम करने वाले हैं फ्रूट एंड वेजी से क्लीन, जो कि ये है हमारे पास एम्बे का होम फ्रूट एंड वेजी वॉश, तो ये डालेंगे साथ में हमारे पास एक कैंट का ओजोन वेजी एंड फ्रूट प्योरीफायर, तो ये दोनों चीज़ों को यूज़ करके अभी आपको दिखाएंगे कैसे हम इसको क्लीन करेंगे। तो अभी मौसमी को क्लीन कर लेते हैं, फिर हमारे पास है अनार, उसको भी हम स्किन के साथ नहीं खाने वाले, तो फिर उसको भी ऐसी वाटर से क्लीन करके यहाँ पर रखेंगे। मौसमी और अनार हो चुके हैं क्लीन, और अभी इसको ड्राई होने देंगे, और अब बारी है बाकी वेजीज की, जो हम फ्रूट एंड वेजी वॉश से क्लीन करेंगे और ओजोन करेंगे डाल के। अब इसमें हम डालेंगे फ्रूट एंड वेजी वॉश, तो गाइस आधा ढक्कन डाल रहा हूँ मैं इसका, आधा ढक्कन। तो अभी इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे ओजोन, तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप अच्छे से इसको खुद ही शेक कर सकते हैं हाथ से ऐसे, और सारी वेजीज को आप रब करें अच्छे से, तो आप देखेंगे झाग बननी स्टार्ट हो जाएगी। ओजोन है तो ये पाइप इसमें डालिए और यहाँ से पावर ऑन करिए, तो अब देखिए ये ऑटोमेटिकली ओजोन गैस के साथ इसको अच्छे से इसकी स्किन के लेयर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किसी भी तरह की धूल मिट्टी, डर्ट पार्टिकल सब क्लीन कर देगा। और अभी इसको हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, तो ये 15 मिनट में बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर देगा, फिर आरओ वाटर से इसको धो के और फिर इसको ड्राई कर देंगे। गाइस देख सकते हैं आप कितनी झाग बन चुकी है, तो ये पूरी वेजीज जो है अच्छे से क्लीन हो रही है, जैसे ही क्लीन होगी फिर आपको दिखाएंगे। जो ये एमवे का होम फ्रूट एंड वेजी वॉश है, तो ये फाइन इन वन है, इसमें क्या है कि आपके सरफेस से जितने भी जर्म्स हैं उसको क्लीन करता है, जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उसको क्लीन करता है, वैक्सीज को क्लीन करता है, अगर कोई हैवी मेटल, डर्ट या डस्ट है उसको क्लीन करता है, और कोई भी इसमें रेजिड्यू नहीं बचता है। तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्रूट एंड वेजीज, जिसका MRP सिर्फ 249 है 500 ml। गाइस बिलीव मी ये बहुत लंबे टाइम चलता है और ये बहुत ही बेटर है, और यू नो इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, किसी तरह के कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, कोई एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, और नेचुरल डिलाइव्ड क्लिनजिंग एजेंट्स हैं, और बहुत ही बढ़िया आपको ये जो फ्रूट एंड वेजी वॉश है बढ़िया तरीके से आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी फैमिली की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है। अब हम अच्छे से आरओ के पानी से इसको धो लेंगे, तो फ्रूट एंड वेजी वॉश को हम अच्छे से जो इसका बच गया रेजिड्यू तो वो अच्छे से हम निकाल देंगे, और आरओ के पानी से निकाल के फिर इसको ड्राई करेंगे। जब ये ड्राई होने के लिए हमने रख दिया है, तो ये सब फ्रूट्स एंड वेजीज और जो चीज़ें बाकी की थी वो सब फ्रिज में रख दिए हमने, और ये देख सकते हैं आप, अब ये ड्राई होगा तो इसको भी रखेंगे हम फ्रिज में। गाइस आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा, सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और खूब सारा ज्ञान तक दें, बंगड़ा पाएं, खूब सारा प्यार करें। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।
तब तक एंजॉय करिए एंड पीस आउट।